सावन के महीने में सबसे पवित्र यात्रा मानी जाती है कांवड़ यात्रा, और शिव भक्तों के लिए ये समय सबसे ज़्यादा खुशी का समय रहता है। सावन के दौरान लाखों शिव भक्त कंधे पर कांवड़ लेकर पवित्र गंगा जल भरते हैं और फिर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि सबसे पहले कांवड़िया कौन थे और कब हुई थी सबसे पहली कांवड़ यात्रा प्रारंभ? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे कांवड़ यात्रा के बारे में पूरी डिटेल, कि कौन थे पहले कांवड़िया, ये यात्रा कब होती है और ये यात्रा क्यों की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह नेगी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो चलिए फिर जानते हैं कि इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और कौन थे पहले कांवड़ यात्री। कुछ लोगों का ये मानना है कि भगवान पशुराम ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी और पशुराम ही पहले कांवड़िया थे। भगवान पशुराम ने ही पहली बार गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर पुरा महादेव में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था, और ये पुरा महादेव स्थान वर्तमान में बागपत के पास में स्थित है। उन्होंने ये यात्रा सावन में की थी, इसीलिए ये यात्रा सावन के महीने में ही होती है, और उन्हीं की परंपरा का पालन करते हुए हर साल लाखों श्रद्धालु आज भी गढ़ मुक्तेश्वर में, जो कि अभी गढ़ मुक्तेश्वर है, इसका वर्तमान नाम है ब्रजघाट, यहाँ से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन कुछ लोग पहले कांवड़िया रावण को मानते हैं और ये मानते हैं कि रावण ने ही पहली बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ में जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। तो कुछ लोग भगवान राम को पहला कांवड़िया मानते हैं, क्योंकि रामायण काल में इस बात का प्रमाण भी मिलता है कि भगवान राम ने कांवड़िया बनकर सुल्तानगंज से जल लिया था और देवघर में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि श्रवण कुमार पहले कांवड़िया थे और उन्होंने अपने अंधे माता पिता को कंधे पर ले जाकर हरिद्वार की यात्रा कराई थी और यहाँ से गंगा जल लेकर उन्होंने शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। इनमें से पहला कांवड़िया चाहे कोई भी हो, लेकिन जो ये सावन का मौसम है, ये शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव को गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है। क्योंकि जब राक्षसों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो विष निकला था उसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया था, जिस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और भगवान शिव तब से नीलकंठ भी कहलाए। लेकिन विष का जो प्रभाव था उसका उन पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तब उनके भक्त रावण ने भगवान शिव को इस विष के प्रभाव से राहत दिलाने के लिए गंगा जल लाकर उनका जलाभिषेक किया और भगवान शिव विष के प्रभाव से मुक्त हुए, और तभी से शिवलिंग को गंगा जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। और इसीलिए सावन के मौसम में भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। तो ये थी कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करता हूँ हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कितने प्रकार की कांवड़ होती हैं, क्या क्या इसके नियम होते हैं और कैसे ये यात्रा प्रारंभ होती है और कैसे ये यात्रा समाप्त होती है। इस यात्रा के बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे हम आपको अपने अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पर टूर एंड ट्रैवलिंग की कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।